हेलो लो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए, आगे भी बढ़ रहा है। मैं हूँ आपका होस्ट विकास और लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाइस हमारे फ्री फायर में आने वाले नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। तो गाइस अगले गोल्ड रॉयल में जो है आप सभी को कौन सा ड्रेस यहाँ पे देखने को मिलने वाला है आज के वीडियो के अंदर आपको कन्फर्म यहाँ पे बताएंगे। एंड साथ ही हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाले ईस्टर एग इवेंट के बारे में एंड और भी काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में आपको आज के वीडियो के अंदर पता चले। तो आज का जो वीडियो है भैया एंड तक देखते रहना। एंड हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि गाइस हम आपके लिए ऐसे अपडेट्स लेकर के आते रहते हैं एंड आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में आने वाले कुछ खतरनाक अपडेट्स के बारे में। तो गाइस आपको तो पता ही है हमारे नेक्स्ट अपडेट के बाद यहाँ पे स्काई विंग्स भी आने वाली है। तो स्काई विंग्स का सबसे पहला स्किन यहाँ पे निकल कर चुका है, जो कि गैस आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो। तो गैस आप लोग देख लो, ये है भैया स्काई विंग्स का सबसे पहला स्किन। कैसा लगा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। एंड हाँ भैया, जो स्काई विंग्स रहेगी वो एकदम ओपी होने वाली है। जैसे कि गैस आप लोग यहाँ पे पानी वगैरह में चलते थे, वैसे ही भैया स्काई विंग के द्वारा आप लोग जो है स्काई में भी चल पाओगे, जो कि भैया बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं कि इलाइट पास जो है गिफ्ट स्टोर के अंदर अवेलेबल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो गैस काफी सारी जगह पे जो है यहाँ पे हमारा जो इलाइट पास होता है, ठीक है, वो गिफ्ट स्टोर के अंदर आ चुका है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो मे बी गाइस अगले अपडेट के बाद जो है भैया ऐसा कुछ अपडेट आ सकता है जिसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पे गिफ्ट स्टोर से इलाइट पास भी ले सकते हो। तो भैया कैसा लगा ये वाला अपडेट कमेंट करके बताना एंड कौन कौन चाहता है ये चेंजेस हो हमारे अगले अपडेट के बाद, ये भी कमेंट करके बताना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे हमारे फ्री फायर में आने वाली न्यू फीमेल करेक्टर के बारे में, जिसका एबिलिटी गाइस आप सभी को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। इसका नाम अभी एक्सट्रीम, ठीक है। एंड इसके एबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो गाइस जैसे ही आप लोग इसका एक्टिव स्किल यूज करते हो तो भैया इंस्टेंट जो है ये करेक्टर आप सभी को 100 एचपी प्रोवाइड करवा देता है। एंड थोड़ी देर के बाद गाइस जैसे ही एक्टिव स्किल बंद होता है आपका जो हेल्थ है वो यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है, अगर आपको डैमेज वगैरह नहीं पड़ता है तो, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वाली वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे गाइस जैसे ही मैं अपना स्किल यूज कर रहा हूँ तो मेरी जो हेल्थ है वो इंस्टेंट भैया 100 बढ़ जा रही है, ठीक है। देखो यहाँ पे भैया मैंने यूज करी, मेरी हेल्थ यहाँ पे बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो भैया ये होने वाली है हमारे इस करेक्टर की स्पेशल स्किल। जैसे आप लोग इसका एक्टिव स्किल यूज करते हो तो भैया 100 एचपी जो है आप सभी को इंस्टेंट यहाँ पे मिल जाएगी एंड थोड़ी देर बाद गाइस आप लोग को जो है यहाँ पे कूल डाउन करने को भी मिल जाएगा। यानी कि गाइस ये करेक्टर जो है एकदम फाइट करने के टाइम पे आप सभी को बहुत ही ज्यादा काम का साबित हो सकता है। तो कैसा लगा है ये वाला करेक्टर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड इसकी एबिलिटी गाइस आप सभी को पसंद आई या फिर पसंद नहीं आई ये भी मुझे कमेंट करके बताना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे एक और कमाल के अपडेट के बारे में। तो गाइस हमारे नेक्स्ट अपडेट के बाद जो है आप सभी को एक न्यू कमाल का फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास भैया इमोट का बटन एंड कुछ और बटन्स भी हैं, तो इनको जो है गाइस हम लोग यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं एंड हाइड भी इनको अपन लोग जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 चीजों को जो है हाइड कर दिया है एंड देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे वो जो आइटम्स थे, मतलब जो हमारी बटन्स थी, वो यहाँ पे हाइड हो चुकी है एंड डिसेबल भी हो चुकी है। तो ये वाला अपडेट भी गाइस आप सभी को जो है देखने को मिल जाएगा हमारे अगले OB27 अपडेट के बाद, जो कि भैया 14 अप्रैल को आने वाला है। तो 14 अप्रैल को गाइस आप सभी को जो है हमारे फ्री फायर में न्यू अपडेट देखने को मिलेगा एंड साथ ही गाइस हमारे फ्री फायर में जो है और भी काफी सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आ जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट गोल्ड रॉयल बंडल के बारे में। तो गाइस अगले गोल्ड रॉयल में आप सभी देख लो, ये वाला ड्रेस आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो ये फीमेल ड्रेस यहाँ पे निकल कर आया है जिसका नाम आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, वायलेट पार्कर बंडल। तो कैसा लगा गाइस आप सभी को वायलेट पार्कर बंडल कमेंट करके बताना। तो भैया ये ड्रेस आ सकता है अगले गोल्ड रॉयल के अंदर, साथ ही गाइस इसका मेल वर्जन भी आप लोग को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो कि आप सभी को देखने को मिल सकता है गोल्ड रॉयल के अंदर। एंड इसका नाम आप लोग पढ़ सकते हो क्रिमसन पार्कर बंडल। तो ये वाला ड्रेस गाइस आप सभी को देखने को मिल सकता है हमारे अगले गोल्ड रॉयल के अंदर। मेल आएगा या फिर फीमेल आएगा, इन दोनों में से एक ड्रेस आपको जो है देखने को मिल जाएगा हमारे अगले गोल्ड रॉयल के अंदर, जिसकी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे काफी ज्यादा निकल करके आ रही है। इसी के साथ गाइस दो बंडल और हैं जो कि बताए जा रहे हैं कि आप सभी को हमारे अगले गोल्ड रॉयल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आप सभी यहां पे ये वाली फोटो देख सकते हो, जिसके अंदर गाइस आप सभी को व्हाइट कलर के दो बंडल देखने को मिल रहे हैं, एक है मेल का दूसरा है फीमेल का। तो यहां पे गाइस बताया जा रहा है कि ये दोनों बंडल में से जो है एक बंडल आएगा FF टोकन एक्सचेंज में एंड एक आ सकता है गोल्ड रॉयल के अंदर। तो गाइस यहां पे मैंने जो आपको 4 बंडल्स दिखाए हैं उनमें से एक आपको देखने को मिलेगा गोल्ड रॉयल के अंदर एंड एक आपको देखने को मिल जाएगा FF टोकन के अंदर। तो जो गोल्ड रॉयल में आएगा उसका फीमेल वर्जन जो है आप सभी को FF टोकन एक्सचेंज में देखने को मिलेगा।
तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके बताना। एंड हाँ गाइस, हमारे फ्री फायर ने जो है मतलब गरेना ने एंड टीसेंट गेम्स से मिलकर जो है यहाँ पे एक और न्यू गेम निकाला है जिसका नाम यहाँ पे अनडॉन होने वाला है। एंड इसके ऊपर अगर आप सभी को डेडिकेटेड वीडियो चाहिए है या फिर नहीं चाहिए तो कमेंट करके बताना। एंड मेरे हिसाब से तुम लोग को इसके ऊपर वीडियो ज़रूर से चाहिए होगी, चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता देना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे बॉक्सिंग इवेंट के बारे में। तो गैस हमारे अगले डेट के बाद जो है यहाँ पे बॉक्सिंग इवेंट भी आएगा। एंड साथ ही गैस बॉक्सिंग इवेंट में आप सभी को यहाँ पे ये दो बंडल देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके छोटे मोटे आइटम्स भी निकल करके आ चुके हैं जो कि गैस आप सभी को मैं इसकी अगली वाली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा, जिसके ऊपर मैं आप सभी को पूरे का पूरा जो बॉक्सिंग इवेंट रहेगा उसके जो भी आइटम्स वगैरह रहेंगे वो सारे के सारे आप सभी को जो है रिव्यू करके दिखा दूंगा। तो आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। इसके बाद आप लोग यहाँ पे ये वाला फोटो देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है समथिंग बिग इज कमिंग ऑन अप्रैल 14th, यानी कि गए 14 अप्रैल को जो है हमारे फ्री फायर का नया अपडेट यहाँ पे आने वाला है। एंड ये जो अपडेट है भैया लगभग 700 से 800 MB का हो सकता है। एंड इस अपडेट के बाद गए आप सही को हमारे फ्री फायर में जो है MR1 करेक्टर भी देखने को मिल जाएगा। इसका एबिलिटी टेस्ट भी गए आप सही को मैं नेक्स्ट OB अपडेट वाली वीडियो के अंदर जो है इसका एबिलिटी टेस्ट बता दूंगा। तो आप सही को इसका एबिलिटी टेस्ट का वीडियो चाहिए है या फिर नहीं चाहिए कमेंट करके बताना। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हमारे फ्री फायर में स्टार्ट होने वाले ईस्टर एग इवेंट के बारे में, जिसके अंदर गाइस आप सभी को काफी सारे फ्री रिवॉर्ड देखने को मिलने वाले हैं। तो गाइस आप सभी को यहां पर मैं बताना चाहूंगा कल या फिर परसों जो है ईस्टर एग इवेंट स्टार्ट हो सकता है। एंड मुझे तो लग रहा है गाइस गरेना इस वाले इवेंट को भी यहाँ पे कैंसिल कर सकती है, क्योंकि भैया गरेना यहाँ पे कुछ भी देती जा रही है एंड देती जा रही है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे मैं समझा देता हूँ ईस्टर एग इवेंट कैसा होने वाला है। तो गाइस ईस्टर एग इवेंट के अंदर जो है आप सभी को एक लूट बॉक्स, एक बैकपैक एंड एक फीमेल ड्रेस यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। तो सिंपली गाइस आप सभी को डेली टोकन कंप्लीट करने हैं, मतलब कलेक्ट करने हैं एंड उन टोकन से गाइस आप सभी को जो है यहाँ पे बलून को शूट करना है, ठीक है। जैसे ही गाइस आप लोग यहाँ पे बलून वगैरह शूट करते हो तो भैया आप सभी के जो प्राइजेस हैं वो यहाँ पे आप सभी को मिलते जाएंगे। इसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ हमारे इस इवेंट के कैलेंडर के बारे में, तो गाइस कैलेंडर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाइस तुम लोग को MP40 के कुछ क्रेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही गाइस आप सभी को रैबिट का जो हेड है वो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल जाएगा। साथ ही गाइस आप सभी को जो है यहाँ पे ग्रीन वाले जो बलून टोकन रहेंगे, एग टोकन रहेंगे, वो आप सभी को यहाँ पे कलेक्ट करने पड़ेंगे। बलून भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, तो तुम लोग बताओ क्या बोलना चाहिए, एग बोलना चाहिए या फिर बलून बोलना चाहिए कमेंट करके बताना। तो भैया आप सभी को जो है यहाँ पे कुछ बलून कलेक्ट करने हैं या फिर एग कलेक्ट करने हैं, उनके बदले गाइस आप लोग यहाँ पे जो हमारा फीमेल ड्रेस है वो भी एक्सचेंज कर पाओगे, जो कि भैया एक नाइट सूट यहाँ पे होने वाला है, जो कि भैया अपन लोग जाते हैं स्पेस में तो वो सूट पहनते हैं, तो वो वाला सूट आप सभी को जो है एक्सचेंज इवेंट में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही गाइस आप सभी को जो है यहाँ पे हमारी ईवो UMP का जो स्किन है वो भी यहाँ पे दोबारा से बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिल सकता है, जिसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लीक्स निकल करके आ रही हैं। एंड यहाँ पे गए सिंपली कुछ मिशंस कंप्लीट करने के बदले में जो है आप सभी को यहाँ पे बनी MP40 के कुछ क्रेट देखने को मिल सकते हैं। तो कैसा लगा गाइस आप सभी को ये वाला इवेंट कमेंट करके बताना। एंड कल या परसों तक गाइस आप सभी को ये वाला जो इवेंट है हमारे इंडियन सर्वर में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो भैया अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अगर आप सभी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर से पूछ लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद गाइस। Captain Jack Sparrow.